हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। अगर आज आपको हमारी ये वीडियो दिखाई दे रही है तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, इफ यू आर थैंक यू वेरी मच। रीजन नंबर टू, यूट्यूब एल्गोरिदम। अगर यूट्यूब एल्गोरिदम ने आपको हमारी ये वीडियो दिखाई है तो डू वॉच इट टिल द एंड, इट विल हेल्प एंड सपोर्ट अस। एंड नंबर थ्री, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है वो है कि आप कैनेडा में इंटरेस्टेड। अगर आप कैनेडा में इंटरेस्टेड है, दैट मीन्स यू आर डूइंग सम रिसर्च, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। डू वॉच इट टिल द एंड। कनाडा में काफ़ी ठंड पड़ती है, ये तो सबको पता है, बट उस ठंड से अच्छे से बचा जा सकता है अगर आप उसके टूवर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। तो ऐसे प्रिपरेशन हमने की थी जब हम कनाडा आ रहे थे। वी केम इन कनाडा ऑन October 26, 2022, जो कि ऑनसेट था विंटर्स का। अब हमने अपना पहला विंटर कनाडा में कैसे सर्वाइव किया विदाउट एनी डिफिकल्टीज, विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। अब आपको ये तो पता होगा कि कनाडा एक बहुत ठंडा देश है, बट उसके साथ साथ ये काफी हार्श भी हो सकता है। यू हैव टू बी रियली रेडी जब विंटर्स आ रहे हो, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने ये प्रिपरेशन इंडिया में ही कर ली थी। और सबसे पहली प्रिपरेशन होती है जो आप विंटर के टूवर्ड कर सकते हो, वो है क्लोदिंग। अब जब हम कनाडा आने का प्लान कर रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट नवंबर था जब विंटर स्टार्ट हो जाता है कनाडा में, तो हम इंडिया से ही अपने जैकेट्स एंड वार्म क्लोथ्स लेके आए। आपको कोई नॉर्मल पतली जैकेट नहीं लेनी है, आपको एक अच्छी क्वालिटी की इंसुलेटेड विद टेम्परेचर रीडिंग जैकेट लेनी है। तो इसके लिए हम गए थे डीकैथलॉन में जब हम पुणे में रहते थे। तो हमने वहाँ पे शॉपिंग की थी अपने विंटर जैकेट्स की, जो कि बहुत अच्छी थी। आराम से -10 -15 तक वो झेल लेती थी विदाउट एनी इंसुलेशन। पर जब ठंड ज़्यादा पड़ जाती है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको जितना हो सके लेयरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जैकेट अगर देखा जाए तो अपर बॉडी को कवर करता है, बट नीचे की बॉडी, आपकी जो टांगे हैं, उसको कवर नहीं करता। आपको वार्मर्स पहनने पड़ेंगे, ऐसे ही आपको अंदर भी वार्मर्स पहनने पड़ेंगे, जो कि आपको अच्छे से टैकल करा देंगे कनाडा की इनिशियल विंटर्स। अभी मैं पर्टिकुलरली ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नॉर्दर्न टेरिटरीज की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, और ना ही मैं अल्बर्टा की बात कर रहा हूँ जहाँ पे -40 -50 तक भी टेम्परेचर चले जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ओंटारियो की पर्टिकुलरली। हमें पता था कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, इसीलिए हमने वो डीकैथलॉन से जैकेट ले ली थी। एंड वी गॉट इट ऑन अ वेरी चीपर डील। हमें 2500 रुपये की जैकेट पड़ी थी मेरी, एंड नंदनी की जैकेट पड़ी थी 3000 रुपये की। तो हमें इनिशियली उन जैकेट्स ने काफ़ी हेल्प किया जब हम कनाडा आए थे। तो बट अगर आप समर्स में आ रहे हो कनाडा, तो आई विल सजेस्ट नॉट टू बाय एनी विंटर क्लोथिंग फ्रॉम इंडिया। आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ें मिलती है, अच्छी डील्स होती हैं, सेल्स होती हैं, वहाँ पे आपको अच्छी विंटर जैकेट कम प्राइस में मिल जाएगी। नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट विंटर जैकेट्स, यू नीड टू हैव विंटर शूज़, अच्छे से थर्मल सॉक्स, आपको हैट्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आपको विंटर अच्छे से कम्फर्टेबली सर्वाइव करना है यहाँ पे। तो अब हमने इंडिया से शू नहीं लिए थे, क्योंकि एक तो वेट का चक्कर पड़ जाता है, आप लगेज में कुछ ही वेट ले पाते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी डिड नो कि क्वालिटी क्या होगी, वो यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। सो इसीलिए जब हम यहाँ पे आए थे, विद इन द फर्स्ट वीक वी वेंट टू वॉलमार्ट एंड गॉट आर स्नो शूज़, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल शूज़ थे। आप हमारी तरह इनिशियली वॉलमार्ट से, कॉस्को से अच्छे से शूज़ ले सकते हैं, $60-70 मैक्स में आपको मिल जाएंगे, इसीलिए कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो विंटर सॉक्स है वो हम इंडिया से लेके आए थे डीकैथलॉन से, तो हमें यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आप यहाँ पे भी आके खरीद सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच कॉस्टली, सो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर से कवर करने के लिए यू कैन बाय सम फ्लीस, जो आपको इंडिया में भी मिल जाएगी डीकैथलॉन से या फिर किसी भी अदर स्टोर से, वरना आप वो यहाँ पे आके भी ले सकते हैं। आर मेन फोकस इज दैट अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओ, एंड 2-4 दिन अच्छे से आप बाहर निकल के शॉपिंग वॉपिंग कर सको, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तो बात हो गई आपकी जैकेट, शूज, सॉक्स एंड थर्मल्स के बारे में, बट आपको हैट और ग्लव्स भी लेना होता है, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा आप यहीं से लें। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएगी, आपको इंडिया से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही विंटर्स में आ रहे हो तो आप एक टाइम पास के लिए एक इंडिया से ले सकते हैं, बट फिर भी आपको यहाँ पे वो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ के वेदर के हिसाब से बनाई जाती हैं ये चीज़ें। इसीलिए अगर आप पर्टिकुलरली ग्लव्स और हैट यहाँ से लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे वेदर काफ़ी डिसीविंग हो सकता है, आप सर्दियों की बात करें या फिर अगर आप मार्च अप्रैल की बात करें, वेदर एप्लीकेशन पे आपको दिख रहा होगा 10-15 डिग्री सेल्सियस, बट शाम होते होते इट विल बी इन नेगेटिव।
सो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है, आपको हमेशा ड्रेसिंग अच्छे से करनी है, आपको लेयरिंग करनी है क्लोथ्स की, ताकि आपको इतना इम्पैक्ट ना हो और आपको इतनी मुश्किल ना हो। अब जिनके पास कार्स हैं या फिर इनिशियली कोई सोच रहा है कि हम आते ही कार ले लेंगे यहाँ पे, तो वो तो अपनी विंटर जैकेट्स पीछे की सीट पे रख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है, वो कभी भी निकाल के पहन सकते हैं। बट हमारे जैसे लोग जिनके पास कार्स नहीं है, उनको सुबह से ही लेयर करके जाना पड़ेगा, अच्छे से कपड़े पहनने पड़ेंगे, ताकि अगर ठंड भी पड़े या बर्फ भी पड़े, यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। यू शुड नॉट बी अनप्रिपेयर्ड फॉर द विंटर्स, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स काफी हार्श होते हैं। जब आप कनाडा आएंगे तो आप या तो कॉन्डो में रहेंगे या अपार्टमेंट में रहेंगे या तो बेसमेंट में रहेंगे। सो कॉन्डोज एंड अपार्टमेंट में अच्छे से हीटिंग सिस्टम होता है, बट द सेम इज नॉट द केस विद द बेसमेंट्स। बेसमेंट में जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो ओनर के पास होता है, उसकी मर्जी होती है, वो कैसे भी टेम्परेचर वेरी कर सकता है। एंड आपको जो आप बेसमेंट में जब आप रह रहे होगे तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है आपको। जब हम इनिशियली यहाँ कनाडा में आए थे तो हम दिसंबर के मंथ में एक बेसमेंट में रहे थे, हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं था उसकी हीटिंग सिस्टम का। जो ओनर था वो थोड़े कंजूस थे शायद, तो जब भी वो बाहर जाते थे तो वो हीटिंग सिस्टम बंद कर देते थे, एंड वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, तो नीचे काफ़ी ठंडा हो जाता था एंड इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल। इससे बचने के लिए आपको एक हीटर लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉलमार्ट वगैरह से, वो एटलीस्ट आपको थोड़ी सी वार्म्थ देगा, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएगा। अगर तो आपके ओनर ने आपको वो प्रोवाइड कर दिया तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन यू कैन ऑलवेज गो एंड बाय दैट फॉर योरसेल्फ, कुछ $100 के आसपास आएगा, तो इट्स नॉट दैट कॉस्टली। अब ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कनाडा में आएंगे और आते ही गाड़ी ले लेंगे विंटर्स में। आपको विंटर टायर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ेगी, क्योंकि दिस विल बी वेरी न्यू फॉर यू। इंडिया में ऐसे बर्फ़ नहीं पड़ती है, हाईवेज एंड रोड्स काफ़ी स्लिपरी हो सकते हैं, स्लज होता है, आइस रेन होती है, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम, आपको धीरे धीरे गाड़ी चलानी होगी, एकदम से आप किसी भी हाईवे या बिजी एरियाज में ना जाएं, गिव योरसेल्फ सम टाइम, तो आपको धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड इट विल बी देन वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू ड्राइव अ कार। विंटर्स ऐसा टाइम होता है कनाडा में जब आपका घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, आपको दोस्तों से मिलने का मन नहीं करेगा या कहीं जाने का मन नहीं करेगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो आउट, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे तो ही आप एक्लिमेटाइज हो गए यहाँ के वेदर से। आपको घूमने जाना चाहिए, कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं डाउनटाउन टोरंटो में आपको वहाँ जाना चाहिए, या कोई और एक्टिविटीज़ आपको टेक करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आइस रिंक्स होती है यहाँ पे, वहाँ पे आप स्केटिंग कर सकते हो या स्कीइंग कर सकते हो, या फिर अपनी कम्युनिटी बना के उन लोगों से, अपने दोस्तों से मिलने जा सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आते आते ही आप अगले एक दो महीने में ये सब कर लो, बट मेक श्योर दैट आप विंटर्स में एटलीस्ट घर से बाहर जा रहे हो, चाहे वो 5-10 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो, ताकि यू गेट यूज टू दिस वेदर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हो तो एज अ स्टूडेंट और एज अ PR आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, आप ये नहीं कि आप एक विंटर्स यहाँ पे सह के आप वापस जाने वाले हो, यू आर हेयर टू स्टे, सो इट्स बेटर दैट यू गेट यूज टू दिस टेम्परेचर, दिस वेदर, एंड तभी आपका जो यहाँ का जो टाइम है, यहाँ का जो ड्यूरेशन है, तभी आपके लिए वो कम्फर्टेबल होगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ, मैंने एक विंटर्स कनाडा में काट ली है, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है, ऑफिस में गो बस से जाता था या ट्रेन से जाता था, शॉपिंग हम पैदल करने जाते थे या बस लेके जाते थे। तो आप भी ये कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, जैसे हम प्रिपेयर्ड थे, सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आ रहे हो इंडिया से या पाकिस्तान से। जब आपने कनाडा आने का सोचा है तो कहीं ना कहीं आपको ये तो सोचना ही है दैट आपको विंटर टैकल करनी है। जब आप अपने माइंडसेट में ये बात रख लेंगे तो आप अच्छे से यहाँ पे विंटर सक्सेसफुली मैनेज कर पाएंगे। बाकी आपको अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कनाडा आ रहे हैं विंटर्स में या ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पहली बार दिखाई दे रही हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें काफ़ी हेल्प होगी, हमारे एल्गोरिथम को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, एंड वी वुड लव योर सपोर्ट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। Ooh, ooh, ooh.